हेलो मनीषा। हाय, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है, स्टार वाला फीलिंग आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं, एक बात बताइए, सो क्लोज टू द फिनाले, थोड़ा दुख हो रहा है कि मैं भी जीत सकती थी? कसम से हम ना इतनी, सच क्या बोले, मेरे जो यहाँ होता ना यहाँ निकल ही जाता, उसके लिए शायद कभी हम गालीबाद भी सुन लेते हैं, तो मेरा इतना सा भी मेरे को दुख नहीं हो रहा है कसम से, क्योंकि मेरे इस शो में ही आना था, यही सोच के आए थे कि मेरे को लोगों का दिल जीतना है और मेरे लिए असली जीत वही है। अब तो आप घर के बाहर आ गई, आप बताइए कि वो कौन एक को कंटेस्टेंट है जिसको सबसे पहले आप फोन करेंगी या मिलेंगी? ऑफ कोर्स अभिषेक, सब जानते हैं, एल्विस भी, बट एक होता ना अभिषेक से ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, बेस्ट फ्रेंड, भाई, जो बोल लीजिए, बट हाँ हम लोग फर्स्ट डे से एक पूरा जर्नी साथ किए हैं और हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ निभाए हैं, तो वो बहुत अच्छा इंसान है और हम लोग का वो पूरे शो में हम लोग का थिंकिंग इतना मिलता था, एक होता ना कि जब एक ही इंसान को हम लोग दोनों बोले यार वैसा है, तो एक बॉन्डिंग और बन जाता है। अगर पूजा दी के बारे में जो थॉट है दोनों का सेम है, बेबी का, तो हम लोग का बॉन्डिंग होने का ये भी एक रीजन है कि हम लोग हर चीज एकदम जो उसके माइंड में आया वो मेरे माइंड में आता है, तो ये भी एक है कि हम लोग का सोचना भी बहुत सेम है, जो भी हम लोग सोचते हैं, तो ये चीज है। राइट, तो ये बताइए कि किसने आपका दिल सबसे ज्यादा दुखाया है शो में? दुखाया ऐसा नहीं, बट बेबी का, हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देती थी जो मुझे हर्ट कर गया ऐसा। उन्होंने शायद बोला था कि मनीषा लड़कों को देखती है तो फिसल जाती है, उसके बाद भी आप कैसे बोलेंगे, आपका बॉन्ड कैसा है बेबिका के साथ, थोड़ा सा चेंज हुआ है? देखिये, मेरे लिए जो दोस्त है वो हमें, अब अभी हम बेबिका को बेस्ट फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, हाँ दोस्त भी नहीं, बट एक होता ना एक बंदी है कि अगर कभी मुझे मिलेगी तो हाँ मिलेंगे, मेरे को ऐसा कोई दिल में उसके लिए कुछ है नहीं, और जहां तक हम जानते हैं कि दिल की वो बुरी नहीं है, बट हाँ अभी जर्नी को देखते तो हमारा बॉन्डिंग नहीं है ऐसा। जैक के बारे में बात करते हैं, उन्होंने शो में बीच में आपको, उन्होंने थोड़ा सा पुश किया था कि फ्रेंच किस करने के लिए, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि तुम मेरे से चिपकती हो फुटेज के लिए, तो उनके साथ कैसे बोलेंगे, इक्वेशन कैसा है, इसके बाद अब मिलने वाले हो कभी उनके साथ? मुझे जैड का जहां तक लगता है कि जैड ऐसे ग्रुप में था ना कि जिसमें सब उसको मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ, क्योंकि एज अ पर्सन मुझे लगता है कि जैड बहुत अच्छा इंसान है, बट वो एक ऐसे रियलिटी शो में आया जहाँ पे वो लैंग्वेज समझ ही नहीं रहा है, तो उसको कभी ना कभी हमेशा जो लोग बोलते हैं मनीषा ऐसी समझ रहे हैं, तो उसको वही लगता था, बट जब मुझे ऐसा फील होता कि जब वो बाहर जाके पूरा सीजन देखेगा या फिर उसके अपने लोग उसको समझाएंगे, तो उसको एक्चुअल में समझ में आया कि मनीषा ऐसी नहीं थी, उसने क्या खो दिया, शायद उसको बाहर पता चले, तो ऐसा वाला। चलिए लास्टली ये बताइए, जब महेश भट्ट सर आए थे घर के अंदर, आपके साथ एक अच्छा इक्वेशन बन गया था उनका, एक वीडियो काफी वायरल हो गया था जहाँ वो आपको टच कर रहे थे, लोगों को लगा कि शायद आप अनकंफर्टेबल हो गई, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग अगर कोई ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए अंकल जैसे हैं, पापा जैसे हैं, और वो उनका एक होता है कि जैसे बच्चे को लोग प्यार करते हैं, तो बस उनका वैसा था ऐसा। मेरा क्या ना, वो बोलते चुप रहो, तो हम वो वाला घबराने लगे थे क्योंकि मेरे से चुप रहा नहीं जाता, और वो महेश भट्ट है, मतलब वो बहुत बड़े एक डायरेक्टर है, इन लोग से मिलना मेरा सपना था, तो एक होता इतने बड़े लोग आपको वो कर रहे, तो बस ऐसा कुछ, उनका इंटेंशन बहुत प्योर था, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान बस इंडिया पे छाना है, जलवा गिराना है, लड़का लोगों को अपने प्यार में पागल करना है, और क्या, और सबका दिल जीतना है, जो जीते हैं तो और उसको मेंटेन करना है। Thank you so much.